पर आई कि एसआर की स्टारर डंकी हो गई है पोस्टपोन, क्योंकि क्रिसमस पर रिलीज होने जा रही है प्रभास स्टारर सलार। फिर जब 22 दिसंबर को कंफर्म हो गई डंकी की रिलीज, तो खबर आई डंकी से क्लैश टलने के लिए 2024 में पुश कर दी गई है सलार की रिलीज। पर अब एक बार फिर नजर आ रहे हैं डंकी और सलार के बॉक्स ऑफिस क्लैश के आसार, क्योंकि सोर्सेज ने कर दिया है कंफर्म कि क्रिसमस पर रिलीज होने जा रही है सलार भी। रिपोर्टेडली प्रभास स्टारर सलार की रिलीज आगे पोस्टपोन होने के रूमर्स गलत साबित हुए हैं, क्योंकि रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलार 22 दिसंबर को ही रिलीज होने जा रही है। खबर तो ये भी है कि नवंबर एंड या फिर दिसंबर के स्टार्ट में मेकर सलार का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज कर देंगे। वहीं इससे पहले ये खबर आ चुकी है कि सलार की रिलीज डेट 2024 में पुश की जा रही है, क्योंकि मेकर सलार से बॉक्स ऑफिस क्लैश अवॉइड कर रहे हैं। हालांकि रिलीज पोस्टपोन करने को लेकर भी अब तक कोई कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आया है। शाहरुख खान और प्रभास की फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस क्लैश को इसलिए एक्साइटिंग माना जा रहा है क्योंकि एसआर के जहां 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी पठान और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दे चुके हैं, तो वहीं प्रभास 2 बैक टू बैक फ्लॉप्स की मार झेल चुके हैं। और फिर एक्सपर्ट्स की माने तो हिट के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद शाहरुख खान स्टारर डंकी को मल्टीप्लेक्सेस में मिलेगी जबरदस्त बुकिंग और मैक्सिमम स्क्रीन्स डंकी के नाम रह सकते हैं। वहीं सलार को शायद हिंदी बेल्ट में मनचाही स्क्रीन्स ना मिले। वैसे भी एसआरके ने अपने बर्थडे पर डंकी का फर्स्ट टीजर रिलीज करके फैंस के बीच खासा बज क्रिएट कर दिया है। ट्रेड रिपोर्ट्स भी हिंट कर रहे हैं कि एसआरके स्टारर डंकी एक बार फिर 1000 करोड़ क्लब की तरफ जा सकती है, क्योंकि इस बार तो एसआरके के साथ राजकुमार हिरानी का जादू भी है, जो 3 इडियट से लेकर पीके तक फैंस के क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को खास बनाते आए हैं। ऐसे में फैंस ने भी एसआरके स्टारर डंकी से बड़ी उम्मीदें लगा ली है, और अगर सलार भी क्रिसमस पर रिलीज होती है तो प्रभास के फैंस भी जरूर ऐसी ही उम्मीद करेंगे।